Hi, my name is Sonam Chaudhary. I'm an ex-student of Delhi School of Photography. The experience, I started my photography career with Delhi School of Photography, doing a diploma from the same place, and I think the best part about this place is the faculty. They're always there helping us out, and everything I am is because of Delhi School of Photography. It's a family for me. NDTV happened, that was my first big break. That happened while I was a student at Delhi School of Photography, 11 months down the line. Starting my career with NDTV as a food photographer, going forward, entered the teaching line, being invited as a chief guest and a judge in Manavrachna, ambient school and education expos, being a speaker there, ye sab Delhi School of Photography ki wajah se. So I think if you're starting your career in this, make sure that you go through all the details, you understand why you want to get into this, because this has been a journey that's going upwards every day. Thank you, Delhi School of Photography. Thank you, everyone. Hi, I am Gaurav Chauhan. तो बेसिकली मैंने आज से दो साल पहले एक कैमरा लिया था. तो उस टाइम पे क्या हुआ था कि मैंने स्टार्ट किया क्लिक करना, नॉर्मली यूज़ के लिए लिया था, पर फिर मैंने स्टार्ट किया कि फोटोग्राफी स्टार्ट की अपनी, और मैंने देखा कि मतलब मैं थोड़ा सा और लोगों से बेटर क्लिक कर रहा हूँ, और थोड़ा सा जो मैं एक मेरी तारीफ़ें हुई मेरे आसपास के जो लोगों के फ्रेंड्स एंड फैमिली में मेरी थोड़ी तारीफ़ें हुई, और मैंने हल्के फुल्के जो बर्थडेज हैं और थोड़े से इवेंट्स हैं हल्के फुल्के मैंने कवर की जो फैमिली के अंदर आते हैं. तो फिर हुआ क्या उसके बाद कि फिर मैंने सोचा कि अगर मैं इसे एज अ प्रोफेशन ले सकता हूँ ये, तो ये मेरे लिए बेटर है. तो फिर मैंने उस टाइम फिर इंस्टीट्यूट सर्च करना स्टार्ट किया कि दिल्ली एनसीआर के अंदर कौन कौन से इंस्टीट्यूट्स हैं जो अच्छी एक नॉलेज प्रोवाइड कर रहे हैं और फोटोग्राफी को लेकर के. तो फिर मैं एक दो इंस्टीट्यूट्स में गया था, तो उसमें क्या हुआ कि वो सारे जर्नल्स मेरे को नहीं करा रहे थे. वो जैसे करा रहे थे कि अगर कोई सिर्फ वेडिंग करा रहा था कि मतलब पूरे ईयर वन ईयर डिप्लोमा के अंदर में तुम किस चीज़ में एक्सेल करना चाहते हो, तो फिर वो बेसिक मेन उसी को कराएंगे और वो हल्का फुल्का एक्सपोजर उनका देंगे कि जैसे. पर जब मैंने कुछ टाइम बाद में जब मैंने DSP को कॉन्टैक्ट किया, तो मेरे को पता चला कि हम लिटरली हर हर जॉनर के अंदर ना भी कुछ ना भी कुछ 30-40 दिन रहेंगे. और इससे क्या होता है कि 30-40 दिन के अंदर हमें बहुत अच्छा एक एक्सपोजर मिलता है उस जॉनर के बारे में. अब जैसे स्टार्टिंग में DSP को ज्वाइन करने से पहले मैं स्ट्रीट फोटोग्राफी में जाना चाह रहा था, उसमें थोड़ा एक्सेल करना चाह रहा था और हल्का फुल्का वेडिंग का. पर जब मैं इसके अंदर आया तो मुझे सारे जोनर जब DSP के अंदर आया और मुझे सारे जोनर्स के बारे में पता चला कि देर आर मैनी, लाइक पोर्ट्रेट है, उसके बाद में हमारा प्रोडक्ट है, फूड है, हमारा वाइल्ड लाइफ है. तो मुझे पता चला कि मेरे लिए जो है बेटर है वो प्रोडक्ट और फूड है, क्योंकि मैं उसमें बेटर कर सकता हूँ, बल्कि अपनी स्ट्रीट फोटोग्राफी से भी ज़्यादा मैं बेटर उसमें कर सकता हूँ. तो फिर यहाँ आकर के मतलब अगर मैं किसी दूसरे इंस्टीट्यूट को मैंने ज्वाइन कर लिया होता, तो मेरे को पता नहीं चलता शायद कि मैं किस चीज़ में बढ़िया हूँ और किस चीज़ में मतलब अच्छा कर सकता हूँ. और यहाँ पर DSP में सिर्फ DSP को चूज़ करने तक का ये मेरा ये था कि DSP को चूज़ करने से मेरे को पता चला कि मैं वाकई में क्या कितना अच्छा कर सकता हूँ, क्या चीज़ में ज़्यादा अच्छा हूँ. और अगर मैं एक तरफ से मैं कंपैरिजन भी करता हूँ अपने पुराने पिक्स का, पुराने काम का, और मैं अब अपने काम का को कंपेयर करता हूँ, तो उस हिसाब से मैं ये बोलूँगा कि मतलब अगर मैं आज के काम पहले काम को 10 लेवल पे रखूँगा और मैं अब के काम को ना भी कुछ तो 85 तक तो मैं रख सकता हूँ, जो इतना डिफरेंस मैं मान के चलता हूँ मैं अपना कम से कम. क्योंकि मतलब DSP के अंदर इतने अच्छी फैकल्टी है, इतने अच्छे अच्छे हमारे पास में टीचर्स हैं, मेंटोर्स हैं हमारे, कि मतलब उनके लिए कोई वर्ड्स भी नहीं है मेरे पास फिलहाल में, कि वो बहुत अच्छा सिखाते हैं हम लोगों को. और ये मतलब DSP को चूज़ करना मेरे लिए, मेरे इस अगर मैं अपनी लाइफ को और अपनी लाइफ में फोटोग्राफी को एज अ प्रोफेशन देखना चाहता हूँ, तो DSP एक ऐसा मूव है जो मैंने अपनी लाइफ में बहुत अच्छा लिया है. तो DSP के लिए थम्स अप है मतलब. My name is Sujoy Chakravarti. I am an ex-student of Delhi School of Photography. Whatever I am today is all because of Jyotir, my sir. When I joined this course, he was my first teacher and he taught me what discipline is in life, and I am really thankful to him. Later in this course, I met Sanjeev sir. He is an amazing person with a great photography skills, and the way he teaches us in studio is just amazing. And joining Delhi School of Photography was a big step for me. And I'm happy that I took the right decision when I joined this.
I joined DSP back around 9 months ago, and when I was in the initial stage of this diploma course, I was very curious about the learning space I'm going to be in. I'm really glad that I invested in a good institute with amazing faculty. The things I've learned here have shaped me into a good and an aware photographer. The faculty here is really helpful, and creative space is really rewarding. हाय, माय नेम इज लोकेश कुमार. मैंने अपना डिप्लोमा 2016 में किया था दिल्ली स्कूल ऑफ फोटोग्राफी से. मैंने अपनी खुद की कंपनी खोली है, ड्रीम इज प्राइवेट लिमिटेड. अब उसमें हम सब काम कर रहे हैं. मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा दिल्ली स्कूल ऑफ फोटोग्राफी को, जो इतने अच्छे फैकल्टी दिए, जिन्होंने हमें लाइटनिंग की प्लस फोटोग्राफी की नॉलेज दी. हाय, मेरा नाम निकी नागर. मैंने 2016 में डिप्लोमा कोर्स किया है दिल्ली स्कूल ऑफ फोटोग्राफी से, और यहाँ पे बहुत सारे टीचर्स हैं जो मुझे हेल्प किया, जिन्होंने फोटोग्राफी के अलग अलग जॉनर को समझाने के लिए. उसके बाद मैंने खुद की कंपनी अपनी खुद की डाली, DI प्लेस है प्राइवेट लिमिटेड, जिसमें मैं अभी काम कर रहा हूँ. और मेरे 3-4 और फ्रेंड्स हैं जो कि दिल्ली स्कूल ऑफ फोटोग्राफी से, जो हमारे ग्रुप में है. और मैं थैंक्स करना चाहता हूँ दिल्ली स्कूल ऑफ फोटोग्राफी को, जिन्होंने हमें हेल्प किया अलग अलग डोनर फोटोग्राफी को फोटोग्राफी के नॉलेज जानने में. थैंक यू. মোর গ্রেজুয়েশন কমপ্লিট হওয়ার পিছন মানে ভাবিল যে মানে মোট পেশেন্ট ফলো করো. সো আই মুভ ব্যাক টু দিল্লি. মানে ইয়াতে আহি বহুত ইস্যু সার্চ করল যে কোনখন বেস্ট হয়, কোনখন ভাল হয়. সো আই ফাউন্ড আউট দ্যাট দিল্লি স্কুল অফ ফটোগ্রাফি ইজ ওয়ান অফ দি বেস্ট ইন দিল্লি. মানে ইয়াতে জয়েন করলো, মানে দিল্লি স্কুল অফ ফটোগ্রাফিত জয়েন করলো ফর 1 ইয়ার ডিপ্লোমা ইন ফটোগ্রাফি. ইয়ার ফেকাল্টিজবোৰ বহুত হেল্পফুল এণ্ড দে আর ওয়ান অফ দি বেস্ট. See, one of the vital most part of an education institute is how well the teachers can connect with the students, not just on the job as well as off the job. For this, one of the very reasons I joined Delhi School of Photography in 2017, and I have had a great journey here. I'm continuing my photography in New Delhi, and I plan to take it to newer heights ahead. हाय, दिस इज शंभु. आई एम फ्रॉम बिहार. 2016-17 बैच से हमने यहाँ से डिप्लोमा कराया है, और उसके बाद वेडिंग डोनर में हम काम कर रहे हैं. अब हमारी खुद की कंपनी है जिसके और उनमें जितने भी ग्रुप मेंबर हैं हमारे, वो DSP से हैं, और हम लोग अभी काफ़ी अच्छे काम कर रहे हैं, और ये सारी चीज़ें बस DSP की वजह से हुआ. सो थैंक यू दिल्ली स्कूल ऑफ फोटोग्राफी. हाय गाइस, मेरा नाम विवेक है. सो मैं दिल्ली से हूँ. रिसेंटली मैंने अपनी 12th क्लास क्लियर करी है. सो 12th क्लियर करने के बाद तो अब पापा मम्मी को ऑप्शन आता था कि अब करियर में क्या करना है. सो बहुत सोचा फोटोग्राफी, मैंने बोला रिसेंटली फोटोग्राफी की, पापा फोटोग्राफी करनी है मुझे. पापा बोलने लग गए, करो बेटा, लेकिन जो चीज़ करनी है आप लोगों को, उस चीज़ में आगे बढ़ के दिखाऊँ मैं, ताकि हमको भी गर्व हो जो ले कर रहे हो आप. सो फिर उसके बाद मैं ठीक है, मम्मी पापा से परमिशन मिल गई. मम्मी पापा जब सपोर्ट कर रहे तो और सबसे अच्छी चीज़ क्या होगी. सो मैं सर्च करना स्टार्ट किया, नेट्स में गया तो देखा कौन सा कॉलेज बेस्ट है. तो मैं आया दिल्ली स्कूल ऑफ फोटोग्राफी, तो मैंने सर्च मारा. फिर मैंने विजिट किया यहाँ पे आके कि ये बार पूछ लें, इंक्वायरी लेते हैं. घर वालों को भी साथ में लेके आया, डैडी को, आओ फिर देखो, फिर बात बात करी, पूरा बात अच्छे से करी. तो सब चीज़ अच्छा लगा यहाँ पे. फिर घर जाके थोड़ा प्लान वैन, फिर आए यहाँ पे. सो बहुत कोर्स चल रहा है मेरा, 9 मंथ हो गए. बहुत चीज़ सीखने के लिए मिल रही है सर. क्या होता है, सर भी अच्छे हैं बहुत, मतलब एक एक बच्चे से लेके सर से लेके सब चीज़ सपोर्ट मिल रही है, जूनियर से लेके सीनियर तक हर चीज़ सपोर्ट में मिल रही है. तो अच्छा लगता है बहुत ज़्यादा. अब क्या बोलूँ, आगे चल ही रहे, अब आगे जर्नी खुद के हाथ में होती है. तो नमस्कार.
নমস্কার মোর নাম নবারুণ হাজারিকা মোর বড় অসমত মই 2014 চনত বিটেক পাস করার পিছত মই ফটোগ্রাফির কারণে ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলো আর তেতিয়া যেতিয়া মই দিল্লির ফটোগ্রাফি স্কুল গুগলত সার্চ করেছিলো তেতিয়া এটা আইছিল যে দিল্লি স্কুল অফ ফটোগ্রাফি এটা ভাল রেটিং থাকা স্কুল আর যেটা মই আহি নিজাকে ইনকোয়ারি করেছিল ইয়ার ফ্যাকাল্টিবিলাক মোর ভাল লাগিছে বহুত এক্সপিরিয়েন্স ফ্যাকাল্টি হয় আর ইয়াত ইনডোর আর আউটডোর দুটা ফটোগ্রাফির এক্সপিরিয়েন্স বহুত ভালকে পাওয়া যায় আর ইয়ারপর ফটোগ্রাফি করলে মানুষ একজন ভালকে এক্সপিরিয়েন্স ফটোগ্রাফার হব পারব এইখানে।